नरेश अग्गी के अपहरण और फिरौती का मामला जितना सनसनीखेज था उतना ही सनसनीखेज उसका खुलासा निकला। पूरेवाल कॉलोनी की काजल इस पूरे प्रकरण की मास्टरमाइंड निकली। हालांकि जमींदार नरेश अग्गी ने दर्ज करवाई गई शिकायत या तफ्तीश में कहीं भी काजल का नाम नहीं लिया था, परंतु CIA 1 की टीम ने लगातार 72 घंटे इस प्रकरण की हर एंगल से जाँच की। लगभग 150 CCTV कैमरों की फुटेज ली गई। मोबाइल फोन लोकेशन व डंप तथा अन्य कई एंगल खंगालने के बाद पुलिस मास्टरमाइंड काजल व अन्य आरोपियों तक पहुंच गई और काजल सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SP सुमित कुमार का कहना है कि यदि नरेश अग्गी पहले ही दिन काजल का नाम ले लेते तो शायद वारदात का खुलासा बहुत पहले हो जाता। SP सुमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पूरेवाल कॉलोनी की काजल नरेश अग्गी के साथ संपर्क में थी। मुख्य आरोपी भी काजल के संपर्क में था। काजल को पता था कि नरेश अग्गी ने कुछ दिन पहले ही करोड़ों रुपए की जमीन बेची है। उसके पैसे हड़पने, जल्द अमीर बनने की चाहत में काजल ने योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों को साथ मिलाकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया, मगर वह कानून के हाथों नहीं बच पाई। CIA 1 की टीम ने 72 घंटे लगातार मामले की परतें खंगालते हुए मामले का पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 12 और 13 जुलाई की रात के बीच में पानीपत से एक मिसिंग नरेश अग्गी हैं, उनको उनके गाड़ी के साथ एक I-20 कार में सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया था और उसी रात को उनके परिवारजनों से उन्होंने 20 लाख की फिरौती लेने के बाद मिस अग्गी को उनकी गाड़ी के साथ कुल्ली माड़ा तक पलवल हाईवे के पास सोनीपत में छोड़ दिया था, जिसकी सूचना सारे घटनाक्रम की सूचना पानीपत पुलिस को सुबह प्राप्त होती है और मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन CIA 1 में इंस्पेक्टर संदीप के हवाले की जाती है। CIA इंस्पेक्टर संदीप ने पिछले 3 दिन के अंदर जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्शन के पॉइंट हो सकते थे हर जगह विजिट किया। करीब 150 के करीब CCTV कैमरे जो अलग अलग रूट्स पे हैं उनको खंगाला, अलग अलग टोल्स को विजिट किया और उसके बाद आज सुबह 3 दिन के पश्चात उन्होंने सारे घटनाक्रम का पर्दाफाश करते हुए इसमें 4 दोषियों और एक महिला दोषी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस सारे घटनाक्रम के मुख्य सूत्रधार शुभम त्यागी, जो कि मूलतः खेकड़ा बागपत का रहने वाला है, और उसकी महिला मित्र काजल है। ये काजल, मैं आपको बता दूं, काजल इस वक्त पानीपत में रह रही है और काजल की जो मुलाकात है वो खुद जो किडनैप कर लिए गए थे मिस नरेश अग्गी उनके साथ थी। उस रात को भी काजल ने उनको मिलने के लिए बुलाया था और जब उनके पास आए तो उन्होंने एक सुनसान जगह के ऊपर वहाँ पे I-20 गाड़ी लगा के उनका गाड़ी के साथ किडनैप कर लिया था। इस सारे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद अब इन चारों व्यक्तियों ने जो 20 लाख रुपए की फिरौती परिवार वालों से ली थी उसमें से 15 लाख रुपए की फिरौती पुलिस के द्वारा बरामद की जा चुकी है। बाकी 5 लाख रुपये इन लोगों ने आपस में जो बांटा था आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और उस दौरान जो बाकी पैसा वो भी बरामद किया जाएगा। जो I-20 गाड़ी भी जिस जो प्रयोग हुई थी जो मूलतः बेसिकली शुभम की है उस गाड़ी को भी पुलिस आज रिमांड के दौरान बरामद करेगी। एक बहुत ही बढ़िया उपलब्धि CIA 1 की टीम के द्वारा रही है। एक काफ़ी सेंसेशनल केस था पानीपत के लिए, लेकिन मुझे ये बताने में भी कोई झिझक नहीं है कि अगर मिस नरेश अग्गी उसी दिन अगले दिन हमें इस सारे घटना का सच्चा हवाला देते कि उनके साथ एक लड़की भी थी जिसका साथ में किडनैप हुआ है तो शायद हम इस सारी घटना का खुलासा 24 घंटे या उसके और जल्दी हम कर पाने में सक्षम रहे होते। लेकिन फिर भी CIA 1 की टीम के द्वारा इन सारी बातों को छुपाने के बावजूद सारे केस का पर्दाफाश हुआ है। बेसिकली काजल ने अपने जो उनका दोस्त, काजल का दोस्त है शुभम, उसके साथ मिलकर प्लानिंग की थी और उसको पता था कि ये शाम के वक्त अकेले उनसे मिलने आएंगे और एक बुजुर्ग आदमी है उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने किडनैप किया। सर, शुरुआती जाँच में हमने इनके पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला है उसकी पूरी तो डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन एक मुकदमा शुभम के खिलाफ जो कि मारपीट का है वो सामने आया है। मैं आपको बता दूं, शुभम भी बेसिकली ग्रेजुएट है, इसमें से बाकी 3 लड़के ग्रेजुएट हैं, जो 4 पकड़े गए उन 3 लड़के ग्रेजुएट हैं, केवल अमित ऐसा लड़का जो 12वीं पास है, बाकी 3 लड़के ग्रेजुएट हैं। और शुभम केंद्र उसका क्लैरिकल का इंटरव्यू रिटर्न वगैरह क्लियर हो गया था और शायद उसने उसकी ज्वाइनिंग बकाया थी, लेकिन आपराधिक दिमाग था उसके चलते उसने इस लड़की के साथ ये प्लानिंग करके एक जघन्य घटना को अंजाम दिया है। सेक्शन 364A सेक्शन 506 आर्म्स एक्ट की धारा के अंतर्गत 504 नंबर FIR ये पानीपत मल्टी ऑपरेशन दर्ज है, जिसके तहत अब पुलिस सारे साक्ष्य फाइल पे लेके आके माननीय न्यायालय के सम्मुख एक ठोस चालान पेश करेगी।